नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़। धर्मेंद्र कसौधन के साथ चलते हैं बड़ी खबर की तरफ, जिसमें बता दें यूपी में विधानसभा चुनाव अपने जोरों पर है। वहीं महाराजगंज जनपद के 317 सिसवा विधानसभा भाजपा के बागी प्रत्याशी अजय कुमार श्रीवास्तव ने पूर्व विधायक व वर्तमान भाजपा के प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल के लूट खरुस एवं भ्रष्टाचार को मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या आपको कहां से ऐसी चूक हुई जो आप जो है भाजपा के बागी नेता बन चुके? देखिए भाई साहब, विगत 15 वर्षों से मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ की सम्मानित जनता को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, दुखद बात ये रही कि पिछले वर्ष 17 में जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया, वह प्रत्याशी ही इस काबिल नहीं था कि वह यहाँ से चुनाव भाजपा के टिकट से लड़े। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद से उस आदमी ने इस विधानसभा में सिर्फ शोषण का काम किया। उसने वसूली अभियान चला रखा, उसने प्रधान, कोटेदार, लेखपाल, कानून को, थाना, चौकी, सिपाही, किसी को नहीं बख्शा, चाहे वह SDM हो, चाहे वह तस्कर हो। और हर मामले में खुल के उन्होंने जो है वह तस्करी और वसूली का काम किया। पूरी जनता उनके खिलाफ थी, पूरे कार्यकर्ता उनके आचरण और अमर्यादित व्यवहार से उनके खिलाफ थे। लेकिन उसके बावजूद अगर पार्टी से कहीं चूक हुई तो आज कार्यकर्ता और जनता का सम्मान बचाने के लिए मैं जनता के प्रत्याशी के रूप में, भाजपा के निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैं आज मैदान में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मैं छोड़ रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। और आज मैंने यह जो निर्णय लिया है वह पार्टी के कार्यकर्ताओं और यहाँ की सम्मानित जनता के कहने पे कि भैया एक बार अगर हम लोग इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो यह आने वाले 5 वर्ष में इस विधानसभा जिंदाबाद। इसलिए जनता ने अपना समर्थन देते हुए हमको जनता का प्रत्याशी बनाया और आज भी मैं भाजपा में हूँ, कल भी मैं भाजपा में ही रहूंगा। लेकिन पार्टी के हित में, पार्टी की विचारधारा को बचाने के लिए, क्योंकि पार्टी की विचारधारा की बखिया या भ्रष्ट विधायक इस विधानसभा में रोज उखाड़ता है, रोज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को छिन्न भिन्न करने का काम करता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि उस भ्रष्टाचारी को किसी चूक की वजह से पुनः टिकट मिला, इसलिए आज हम लोग मैदान में हैं और भाजपा की विचारधारा को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए और कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए यह निर्णय आवश्यक था। सिसवा विधानसभा की जनता आपको ही वोट क्यों दे? सिसवा विधानसभा के एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे आवश्यक चीज ये होती है कि वह क्षेत्र में बना रहे, वह क्षेत्र के सुख दुख में लोगों के बीच में रहे। आज अगर जनता ने हमको प्रत्याशी बनाया है तो हम मेरे 15 साल के कार्यों के आधार पर बनाया है। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि पहले तो उसको मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और लोगों के सुख दुख में रहना चाहिए। दूसरा, यहाँ के विकास की गति इस तरीके से रुक गई कि आपको जान के आश्चर्य होगा, आप मीडिया के लोग हैं, आप कभी सर्च कीजिएगा कि यह भ्रष्ट विधायक जो विधायक निधि मिलती है सिसवा विधानसभा में काम कराने के लिए, उसका भी धन ले जाके महाराजगंज अपने कॉलेज में बनवाया। या पिछली बार चुनाव लड़ रहा था तो कहता था मैं किसान का बेटा हूँ, 3 मंडा खेत है। आज इसका घोषणा पत्र देखिए, इसका उस घोषणा पत्र में जो ट्रस्ट बना रखा है, NGO माफिया रहा है, तो यह उसका ट्रस्ट देखिए कि आज ट्रस्ट में उसकी कितनी हैसियत 5 साल में हुई है। उसने इंजेक्शन लगा के यहाँ के जनता को चूसने का काम किया है और यहाँ के विकास से अपना उसने मुंह मोड़ लिया। यहाँ की इंटरनल सड़कें आज भी वैसे की वैसे ही हैं। वह आज जो भी बोल पा रहा है वह केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सड़कों के आधार पर बोल पा रहा है। उस भ्रष्ट विधायक को यह भी नहीं मालूम है कि उसके हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है, क्योंकि वह वहाँ भी वसूली करता है, वहाँ भी उसको डीलिंग चाहिए, बिना पैसे का वह कोई काम नहीं कर सकता है। यहाँ की विकास को उसने छिन्न भिन्न किया है और जनता को यह विश्वास है कि यह हमारा बेटा, यह हमारा भाई आज 15 साल से गांव-गांव को देख रहा है, कहाँ की रोडें खराब हैं, कहाँ पर नगर पंचायत नहीं बना, कहाँ गन्ना भुगतान में हम लोग को शर्म आती है। उसने मिल मालिक से पैसा लेके गन्ना किसानों के साथ गंदा खेल खेला और आज यहाँ का किसान बेबस पड़ा हुआ है। तो इस सारी बातों को लेके आज जनता हमारे साथ है। प्रेम सागर पटेल जी ने काफी विकास किया, या मैं आपको बता दो रहा हूँ कि आप उठा के देख ले जिस रोड पे हम लोग बोल रहे हैं, यह प्रेम सागर जी की बनवाई हुई रोड है। आप चौक से, महाराजगंज से चौक देख लीजिए, वह 2 साल पहले निर्मित हो गई सड़क। आज कितने सरुचि बात है कि यहाँ के सांसद के प्रयास से घोड़ा हवा से चौक की रोड अब बननी शुरू हुई है, जिसमें अभी हम चल नहीं सकते हैं।
तो वह आदमी किस रोड को अपनी रोड गिनाता है? झुलनीपुर की भी रोड उसके प्रस्ताव से नहीं है, वह तो नटवरलाल है। जब रोडें स्वीकृत हो जाती हैं, जब बजट आ जाता है, तो फेसबुक में उसी डेट में लिखता है कि मैंने इस रोड की मांग किया था। आप मीडिया के लोग हैं, किसी रोड की स्वीकृति हमारे या आपके या विधायक जी के लिखने के 5 महीने 6 महीने बाद होती है, लेकिन आप उनका फेसबुक सर्च करें और यह देखें कि जो पैड लगाए हैं कि मेरे ही लिखने पे यह रोड पास हुई है, उस पर दिनांक क्या पड़ा हुआ है। तो यह फर्जी विधायक कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन काम तो अनपढ़ों वाला करता है, झूठ भी ऐसा बोलता है जो पकड़ में आ जाए। उसका काम क्या है वो बतावे तो। उसने चुनाव जीतने के बाद भैया आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? भैया मेरी प्राथमिकता यह है कि जितने विकास कार्यों को इस भ्रष्ट विधायक ने अवरुद्ध किया था, गांव की रोडें हमारी जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई हैं, जहां हमारी ही सरकार यह कहती थी कि आप रोड लिख के दो हम रोड दे रहे हैं, आप बगल की विधानसभाओं में देखें किस तरीके से रोडें बनी हैं। हम लोगों का दुर्भाग्य यह है कि जब मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री यह कहते थे कि आप लोग नगर पंचायतों के लिए लिखें, तो यह भ्रष्ट विधायक बिना मतलब की बात उल-जुल करता रहा। फूटी बारी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के बाद भी नगर पंचायत नहीं बन पाया। मिठौरा सबसे बड़ा मार्केट है, जनसंख्या के आधार पे वो बनना चाहिए, लेकिन वह जिला वो नगर पंचायत नहीं बन पाया। नगर पंचायत निचलौल इसको नगर पालिका होना चाहिए। जब सुविधाएँ तभी बढ़ेंगी जब इनका कायाकल्प होगा, निकायों का निकाय बढ़ेंगे, रोडें ठीक हों, उद्योग के लिए प्रयास किया जाए। इसने स्वयं के विकास में ही सारा उद्योग लगा दिया, सारे व्यापारियों का शोषण किया। आप चले जाइए सेंट्रल बैंक की तरफ से, किसी फल वाले से पूछ लीजिए, मार्केट में जाइए किसी कपड़ा वाले से पूछ लीजिए, मिठाई की दुकान पर जाइए वहाँ पूछ लीजिए, विधायक सामान लेता हो कहता लाइसेंस है। या विधायक न होके या अपने आप को कभी ड्रग इंस्पेक्टर बन जाता है, कभी फूड इंस्पेक्टर बन जाता है। इस तरीके से यहाँ के लोगों का शोषण किया है, उस शोषण से जनता को बचाना है, जनता को सम्मान दिलाना है और इस विधानसभा का विकास कराना है। यह हमारी पहली प्राथमिकता। हमारे चैनल के माध्यम से जो है यहाँ की जनता को हम अपनी सभी सम्मानित जनता से, जिस जनता ने हमको अपना बेटा अपना भाई मान के, मैं इस विधानसभा में नेता के रूप में नहीं आता हूं। आपने अपनी शुरुआत में ही यह कहा कि यहां पे लोग मुझको भैया और बाबू ही कहते हैं, बेटा कहते हैं, तो मैं इस विधानसभा का बेटा हूं। उसको दुल्हा बनने का शौक है, वह जानता नहीं है कि दुल्हा का पैर भी छुआ जाता है, पीठ भी छुई जाती है। भैया आपको तो वो सवरिया कहते हैं कि भैया दुल्हा हम है, सवरिया लोग पीछे पीछे घूमते हैं, वो हमको सवरिया क्या बनाएंगे? आज दुल्हे की पीठ की पूजा हो रही है, जिस गांव में जा रहा है गाली सुन रहा है, जिस गांव में जा रहा है मुर्दाबाद हो रहा है, आज उसको यह गुमान हो गया कि मैं यहाँ नाऊ भी नहीं हूँ, मैं यहाँ नाऊ भी नहीं हूँ जो उसने कर्तव्य किया। आज की स्थिति यह है कि विधायक अपने कुकर्मों से किसी गाँव में नहीं घुस पा रहे हैं और हमारी जनता हमारे साथ है। मैं अपनी जनता से अपील करूँगा, यह पार्टी चुनाव चिन्ह आपका चुनाव चिन्ह है, इसी में सारे चुनाव चिन्हों को बंद कीजिए और इस बाल्टी को और इस अपने बेटे को अपने भाई को विधानसभा पहुंचाइए कि मैं आप लोगों की सम्मान की रक्षा करते हुए यहाँ के विकास कार्य को कम्प्लीट। अजय भैया जिंदाबाद।